इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे सरकार तो सहज हैं, सरल हैं। आई सरकार ने भक्ति भी कही, नवम सरल सब सन छलहीन। ऐसे आप भी बने रहिए, देखिए कैसे प्रेम नहीं बढ़ता है। माताओं ने चारों लाला को पालने पढ़ाया हो और झुलाने लगी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित को। फिर एक बार, पुनः एक बार, कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, बूढ़े हों कि बड़े हों, बच्चों के साथ रहने का अभ्यास हो। बच्चों से ये न कहा जाए कि आप बाहर चले जाओ, आपके सुनने लायक बात नहीं है, वैसी बात की ही न जाए। वरना बच्चों को जब हम ऐसा कहते हैं तो बच्चे पता लगाते हैं ऐसी कौन बात है जो मेरे सुनने योग्य नहीं है। अब घूम फिर के पता चल जाएगी, ऐसी बात पता चल जाएगी जो आप भी नहीं बता पाएंगे। इससे शिशु विनोद करने का अभ्यास करिए, खेलिए। कहते हैं महाराज, पहले से अब में बच्चों और बड़ों में दूरियां बढ़ गई हैं। बच्चों ने थोड़ी बढ़ाया, हमने आपने बढ़ाया, बच्चों ने नहीं बढ़ाया, दूरियां हम बढ़ाते हैं। तो देखिए, दूरी कब बढ़ती है? जब जीवन में संवादहीनता आती है। संवाद रुका तो विवाद हल होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए संवाद चलता रहना चाहिए कि जीवन में कोई विवाद न हो, कोई अवसाद न हो, बात समाप्त न हो, वार्ता चलती रहे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, वृद्धजनों के साथ, साथ रहिए। आहा, कर शिशु चरित पुनी, कितना आनंद भगवान देते हैं। अरे ये विधि राम जगत पी तुमाता, ये विधि राम जगत पी तुमाता, हो सैल भोर पासी में सुखदा। राखे जीव चरा
चराचर जगत को। इस प्रकार यही विधि, इस प्रकार जगत के पिता माता भगवान श्री राम प्रभु अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, सुख प्रदान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, देवी जिन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में रति मानी, अर्थात जिनकी प्रीति प्रभु चरण में है, ये उनकी गति है, उनका सुख बढ़ता है। भगवान से विमुख होकर कोई कितना भी यत्न कर ले, लेकिन भव बंधन से छूटना संभव नहीं है। माया जो जीव मात्र को, चराचर जगत को नचाती है, भगवान की भ्रकुटी विलास से यात्रा बनाती है। बोलो ना आप, ऐसे भगवान को छोड़कर किसका भजन करें? भजन तो भगवान का, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन दो तीन का। ये अकेले नहीं, कलिकाल में भगवत भजन अकेले नहीं। बूटी हरि के नाम सबको खिला, बूटी हरि के पीने की तमन्ना है तो खुद को पिला के पी। आगे बाबा ने कहा, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। एही विधि शिशो विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासी ने सुख दे। एही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासी ने सुख दे। अब भगवान की शिशु लीला पूर्ण होती है। माँ मगन हैं, तीनों माताएं, नगर निवासी बहनें, सखियां, दास दासी सब आनंद में हैं। भगवान को एक बार माँ ने स्नान कराकर अमृत पान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण से सज्जित करके पालने में पौड़ा दिया। आपने कई बार सुना है, भगवान ने माँ को विराट स्वरूप का दर्शन कराया।
दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि अनगिनत सूर्य भगवान अनगिनत चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकृति पहाड़ सरोवर समुद्र नदियां क्या क्या मान थर थर कांपने लगी माई कांप गई। भगवान ने कहा माँ जैसे माँ को देखा भगवान छोटे हुए विषमयवंत देख महतारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। भगवान ने कहा माँ किसी को बताइएगा मत मैंने तो आपको दर्शन कराया मैं आ गया तभी आप इन्हीं में लगी। देखो ये प्रसंग कहता है घर में बच्चे हों बच्ची छोटे बच्चे हों पहले उनके साथ रमिए सेवा करिए विश्राम कराइए फिर जगत के व्यवहार में ये प्रसंग कहता है। माँ ने हाथ जोड़ लिया बार बार कौशल्या विनय करे कर जो अब जन कब हूँ व्यापे प्रभु मोहे माया। प्रभु आपकी माया प्रकृति हमको करनी न अरे माँ से भगवान ने वचन लिया तो भगवान से माँ ने वचन ले लिया। आप में से कई लोगों को ऐसा होता होगा महाराज जब आप कथा सुनाते हो तो लगता है सब संसार छोड़कर बस भगवाने में रम जाएं। आखिर ये इतना जो सोचते हैं हो क्यों नहीं पाता है? अरे इसलिए नहीं हो पाता है भगवान ने जगत निर्माण करके और माया शक्ति को भी प्रेरित कर रखा है जाओ सबको माया में लपटानी रहो सबको लपेटे रहो। कबीर बाबा ने क्या कहा माया महा ठगनी हम जानी। हाँ बस बताओ केशव के कमला बन बैठी शिव बाबा के घर में भवानी पंडित के मूरत होई बैठी तीर्थ में भई पानी माया महाठगिनी। सबको भगवान ने ऐसी माया में लपटवाए रखा है कि हम आप सब उसी में अझुराए पड़े। और देखिए जैसे ही कहते कोई निर्गुण है प्राण देव जब निकसन लागे तो न जाने क्या सब समाप्त। तो गीत आपने सुना होगा भंवरवा के तोहरा संग और अंतिम जाई कहां तक कहते वही भैंसा घाट तक। आप परिवार में कोई शांत हो गया हो कोई बहुत रो रहा हो उससे कही यदि आप मरना चाहें तो ये उठ सकते हैं नहीं अभी चले गए हमको क्यों मारे दे रहे इन्हीं को ले जाइए। जब एक के मरने पर ही जीना होना है तो यही जाएं हमको कम से कम रहने दीजिए मरने के लिए कोई तैयार नहीं। वो तो बुला लेते हैं यदि भगवान शंकर के जी में व्यवहार है यदि पूछ करके जाना चाहे तो आदमी जाना नहीं चाहता ऐसा। तथ्य क्या है हम आप चाहते नहीं हैं भगवान की माया ने लपटाई रखा है किसी को कुछ पड़ा पकड़ा रखा है किसी को कुछ हमको कुछ आपको कुछ। इसलिए हम आप जगत में बड़े प्रेम से ये मेरा कर्तव्य है अरे ये मेरा ज्ञान परक कर्तव्य निरहंकार भाव में रहकर कर्तव्य मैं ही करूंगा ये कर्तव्य नहीं है ये अहम है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा मैंने ही तो अब तक किया है नहीं तो हो पाता क्या। अच्छा वाह 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 ये माया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।